नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह की बज रहे हैं आज। रिपब्लिक भारत के लुमिनस स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह, मेरे साथ मेरी सहयोगी महिमा भी मौजूद है। आप देख रहे हैं जाग उठा भारत। और इस बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर क्या सामने आ रही है, सबसे पहले वो बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां बड़ी सफलता हाथ लगी है सेना को। तीन आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तो डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और यही वजह है कि एक के बाद एक सफलता हमारे जाबाजों को मिल रही है। एनकाउंटर में तीन आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और ये जो तीन आतंकी हैं, ये पाकिस्तान के नागरिक बताए जा रहे हैं। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं और ये हथियार जो हैं अमेरिका चीन के बताए गए हैं। साथ ही साथ आप बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन सेना का लगातार दिखाई दे रहा है। घने जंगल, तेज बारिश और आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का जोरदार अभियान। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों ने मोर्चा खोल दिया है। कश्मीर में विकास की बयार के बीच हिंसा की चिंगारी भड़काने की नाकाम कोशिश कर रहे घुसपैठ के आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। डोडा में सुरक्षा बलों के आतंक के सर्वनाश ऑपरेशन में अब तक तीन आतंकियों को ढेर किया गया है। चौथे आतंकी की तलाश जारी है। डोडा ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। तीन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। लगातार सुरक्षा बल पूरे इलाके को सघन तलाशी कर रहे हैं। वहां पर आप ढोक के पास अगर सरजीवन आपको जूम करके दिखा पाएं तो भारतीय सेना जो है वो पूरे उस इलाके में पहुंच गई है। कोशिश ये है कि तीनों आतंकी जो मारे गए हैं, माना जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के तीनों आतंकी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को इस बात की कन्फर्मेशन दी है कि तीन आतंकी इस ऑपरेशन में मारे गए हैं और लगातार पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी है। ये वही आतंकियों का ग्रुप है जिसने 13 जून को जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमला किया था, जब एक सर्च पार्टी जो है आतंकियों की लोकेशन की तरफ जा रही थी। तीन आतंकी मारे गए हैं, इनके पास से तीन हथियार बरामद हुए हैं, एक जिसमें M4 कार्बाइन बताया जा रहा है। पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है। अब सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस एरिया को क्लियर किया जाए। सूत्रों के मुताबिक डोडा जिले में पहाड़ की चोटी पर चार आतंकी छिपे थे, उनमें से तीन मारे जा चुके हैं जबकि चौथे की तलाश अब भी जारी है। डोडा एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए। आतंकियों के पास से स्टील कोर बुलेट, M4 कार्बाइन जो कि अमेरिका में बना है, इसके साथ ही चीनी ग्रेनेड भी बरामद किया गया और बहुत सारे जिंदा कारतूस भी मिले हैं। डोडा के गंडों में जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने तीन आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकी संगठन जैश से थे, जिसमें कि जैश के दो टॉप कमांडर भी शामिल थे। आपको बता दें कि हथियारों का बड़ा जखीरा जो है वो सुरक्षा बलों को बरामद हुआ है, जिसमें कि M4 कार्बाइन राइफल के साथ साथ AK-47 राइफल और बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद है। ये M4 कार्बाइन है, ये खास तौर पर जैश अपने कमांडर्स को देकर भारत में भेजता है। जैश के टॉप लीडर्स को ये वेपन जो है वो जैश की तरफ से दिया जाता है कमांडर्स को। यहां पर आप देखेंगे तो इस M4 कार्बाइन के साथ एक नाइट स्कोप लगा है, जिसे एक पावर बैंक से जो है ऑपरेट किया जाता है, उसे एनर्जी दी जाती है ताकि देर रात सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा सके, जैसे 13 जून की रात को बनाया गया जब कांस्टेबल फरी जो है वो घायल हुआ था। उसके अलावा एक और M4 कार्बाइन राइफल जो है वो सुरक्षा बलों को मिली है। ये बता दें आपको कि 5.62 mm के जो राउंड्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टील कोर बुलेट जो है वो भी इसी M4 कार्बाइन से फायर की जाती है। 9 जून को आतंकियों ने रियासी जिले में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया था। रियासी में शिव खोड़ी धाम से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने हमला किया। इसमें 9 श्रद्धालु मारे गए, करीब 50 तीर्थ यात्री घायल हुए। इसके अलावा कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर आतंकियों ने घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश की, जिसके बाद से ही देश भर से आतंकियों का चुन चुन कर हिसाब किए जाने की मांग उठ रही थी। फिलहाल घाटी में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और आतंकियों के ढेर होने की खबरें ये बताने के लिए काफी है कि अब आतंकियों की खैर नहीं है। जाबाज सेना के जवान कायराना हरकत करने वाले आतंकियों को एक एक कर जहन्नुम पहुंचाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
एनकाउंटर में अब तक तीन आतंकी ढेर हो चुके हैं और चौथे की तलाश लगातार की जा रही है। गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, अभी क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि M4 कार्बाइन, इसके अलावा कुछ चीनी हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं, लगातार चीजें बरामद की जा रही है।